Johar, and welcome to the deep insight. पानी जो कि धरती के तीन भागों में है और हमारे पास पीने के लिए सिर्फ उपयोग के लिए सिर्फ 3% पानी है, जिसमें से 2% पानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके ग्लेशियर बन जाते हैं और मीठा पानी का सिर्फ और सिर्फ 1% स्रोत बचता है हमारे पास। आज पानी का बहुत बड़ा त्राहिमाम बचा हुआ है पूरे विश्व में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जिन जो शख्स हैं उनको लोग वाटरमैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में एक डैम बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री श्री सिमन उराव जी का। सिमन उराव जी, बहुत बहुत नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और समय रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चुना। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, देखिए जरा आपके लिए। जानना चाहते हैं ये आपका ये कारवा शुरू कैसे हुआ, आपका पानी बचाने का डैम बनाने का ये कारवा कब स्टार्ट हुआ, कौन से वर्ष में, कौन से ईस्वी में स्टार्ट हुआ? देखिए उतना हिस्ट्री तो नहीं जानते हैं, मगर घर से करीब दुनिया ने इतना तबलीग था, कोई बगान उगान नहीं लगा देते पानी। घर से करीब पहले कोई कुआं तालाब नहीं था, तालाब कहीं था, मगर वर्षा का पानी 4 महीना बरखा तो 4 महीना ठंडा तो 4 महीना गर्मी भगवान बना के मनुष्य को जिम्मा दिया। आकाश की भी बनाया, पृथ्वी की भी बनाया और जितना जंगल झाड़ पानी कांजी सारा चीज बनाया और किसी को जिम्मा नहीं दिया और मनुष्य को अपना पृथक भाई बनाया, जिम्मा दिया। ये मनुष्य तो अपना जीव का बहुत किसी में हम चला सकते हैं, मगर सारा चिड़ा चराई चिनगुन चिड़िया सब जानवर वनवर का खाना पीना को हम सब मनुष्य बर्बाद कर रहे हैं। कहे कि कोई चिड़िया गाछ न रहता है वो तो जमीने नहीं सोएगा, जो जानवर जंगल रहता है वो जंगल ने तो नहीं डांड ने तो नहीं रहेगा और जितना जीवा जंतु पानी रहता है वो पानी रहता है डांड ने तो नहीं रहेगा। से ले सारा चीज को मनुष्य को जिम्मा दिया और सबको देखते हुए सोचते हुए चलाना है मनुष्य को, मनुष्य उसको बर्बाद कर रहा है, सो सारा चीज को बर्बाद कर रहा है। से ले आप यो देखने का और सोचने का और चलाने का समय है, मनुष्य इखनो तक अपना जगह को तैयार करे, काल की जंगल जमीन और करते करीब पानी 3 ठो चीज है मनुष्य के लिए बहुत जरूरी। आग नहीं रहेगा और आन नहीं रहेगा और पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य पृथ्वी में नहीं रह सकता है। इतना चीज को सारा चीज को मनुष्य को देखना है, सोचना है और चलाना है कि हर मनुष्य को जितना जो चिड़िया के लिए घर के जो हम बर्बाद कर रहे हैं चिड़िया लेके हर
लड़का लोग चाहे कोई अपना अपना पेड़ लगाए, बांस लगाए कहीं, तो उसमें चिड़िया रात को सो सकता है। और जंगल जो है, जंगल जितना जो जंगल था सबके काट कूट के मनुष्य सिरा दे रहा है, तो जानवर कोई डांडने तो नहीं सोएगा, वो तो जंगले में रहेगा, तो उसका घर के तो हम बर्बाद कर रहे हैं। चल उसका घर को मनुष्य के बनाने के लिए जिम्मा दिया है, बाहर बगीचा लगा सकता है, जंगल लगा सकता है, तब नहीं जानवर रहेगा। और कैसे करीब जीवा जंत है, उसका लिए पहले हर जगह पानी फूल था, मगर कल काल कल कल पानी खत्म हो जा रहा मनुष्य का व्यवहार से। सेले जीवा जंत अपना घर नहीं बना सकता है, तालाब बांध पोखरा, तो किसको बनाना है? मनुष्य को बनाना है। सेल ये तीनों चीज के मनुष्य को देख के सोच के और समझ के चलाना है। बाबा आपको यहाँ पे रोकेंगे, हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ पानी पे, पानी और जंगल पे, जो आज के समय में सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा पानी है। तो आप शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अब तक कितने डैम कितने तालाब बनाए हैं, आप बताएं पूरे दर्शकों को पूरी दुनिया को, अपने बल पर आपने कितने सारे डैम से कितने तालाब बनाए हैं, नहर तो खैर कहना ही नहीं कितने सारे बनाए हैं, आप बताइए सबको। देख परिवार के चलाने लायक तीन ठो बांध बनाए हैं, और परिवार को चलाने के लिए तीन बांध। हाँ अच्छा, पूरा गांव घर का सारा परिवार को चलाने के लिए तीन ठो बांध बनाए। एक नरपतरा बांध बना जमीन बनाने के लिए, दूसरा अंत भलू बांध बना, और तीसरा गाय घाट बना। और उसमें अरे से करीब 400 एकड़ जमीन जमीन बन गया, जहाँ एक दाना कोई चीज नहीं होता था, उसमें अभी दो फसल हो रहा है। मतलब वो बंजर था पहले? हाँ एकदम पहले बंजर था, कोई पुरखा नहीं। 400 एकड़ जमीन सोना उगल रहा है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। यहाँ दो फसल अभी धान हो रहा है, अभी दो फसल हो रहा है। तो दिल्ली और अभी कर से करीब 7 गांव को सिंचाई दे रहे हैं। 7 गांव को सिंचाई दे रहे हो आपके तीन डैम? हाँ। और तालाब कितने बने अभी तक आपके? तालाब अभी 2017 ने कर्जा लेके बनाए हैं 80,000 का, कर से करीब उसका लेके 6 तालाब है, और पानी रखने के लिए 3 बांध है। तो एक अभी आप जो पानी का जो समस्या है पूरे देश में, इवन पूरे वर्ल्ड में, उसका आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है? बरखा पानी, 4 महीना बरखा से डेढ़ महीना 2 महीना बरखा आता है, इसलिए इतना दिन तक अभी पानी का स्रोत कम होते गया। कभी पहले कोई नहीं जानता था कि चापाकल और कुआं को, डाड़ी के जानता था और चुआ को, सब झरना का पानी पीते थे। मगर जैसे जैसे खन नियम बनते गया और सारा पानी के स्वतः नीचे उतरते गया, चापाकल गड़ाया, चापाकल कर बाद में बोरिंग हुआ, तो चापाकल कर चलते अगर 50 घर है तो 10 बूटा कुआं, 10 को 20 को कुआं देता हूँ यहाँ, तो पानी ऊपर का पानी को वो कुआं झोंकता, मगर वो तो नहीं हो रहा है, कहीं बोरिंग हो रहा है कर से करीब 1500 फीट। तो अभी हम अनुभव किए, हम ये 47.5 फीट कुआं कोड़े हैं, और साल 10 फीट पानी बचता था, मगर इन साल 2 फीट बचा, तो 2 फीट ने आपका आसरा है बताइए। तो सारा सोता तो हम सब कुआं के बदले चापाकल तो बोरिंग करके पानी का खत्म कर रहे हैं। और एखन जनता सोच रहा है ना, कंपनी सोच रहा है ना, सरकार सोच रहा है कि हम पानी कैसे बचाएं, कैसे हमको सहयोग करें से नहीं। देखिए बिना पानी का कोई योजना नहीं चलेगा दुनिया में, चलेगा नहीं। इतना जो कारखाना है सब ने पानी चाहिए, मनुष्य को भी पानी चाहिए, खेती के पानी चाहिए, तो बिना योजना के तो चलेगा नहीं। इसलिए हम 40-50 साल पहले योजना बनाए हैं कि हम एक दिन पानी का रोना पड़ेगा। फिर योजना क्या था आप बताइए, आज इतने लोग
पानी से त्रस्त है, लोग पानी जुगाड़ करने के लिए आज भी झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ पानी की कभी किल्लत नहीं होती है, लोग आप देखेंगे गर्मी में लाइन लगा लगा के पानी के लिए लाइन लगाते हैं, दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, तो क्या योजना होनी चाहिए? बोरिंग के चला है अपना, मगर गांव ने हर परिवार ने कृषि के लिए कुआं चाहिए और पीने के लिए 5 घर 10 घर ने 10 फुटा कुआं चाहिए और कृषि करीब सारा पानी को बरसात को पानी के बेकार नाला ने नहीं जाना चाहिए, मगर अभी तक कोई ध्यान नहीं किया है। अभी यही जो देखिए नागड़ी से 2000 फीट 3000 फीट ने एक ठो चेक डैम होना चाहिए कि बरसात को पानी के हर जगह चेक रोक के रखना चाहिए। एक डैम से याद आया, आप एक बार डैम बनाने गए थे, बहुत पहले की बात है, जब सबसे पहला डैम आप बनाने गए थे, तो वो डैम जब ये बना रहे थे तो डैम टूट गया था, तो आप एक बार डैम बनाने के लिए गए या अकेले चले गए? नहीं, जब लोग के साथ गए। ठीक है, तो आप जब गए लोग के साथ, तो हम पढ़ा है न्यूज में और बहुत सारा रिसर्च किया हम लोग, तो पता चला कि आप पानी के अंदर 10 मिनट तक अंदर जाके उसको ठीक करते थे, 10-15 मिनट तक। तो एक बार आप वही डर रहे थे तो लोग समझे कि आप डूब गए, खत्म हो गए, तो क्या हुआ था उधर बताइए? तब हम कपड़ा उपड़ा को मरा के पानी में उतर गए 2.5 फुट नीचे। 2.5 फुट कितना हुआ? 15 फीट के तब यहाँ उतर गए, 15 फीट और जहाँ छेदा है तहाँ हाथ को थापे तो लब 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 मार रहा है। नागड़ा माटी को आटा गुड़ी लेकर गोंद बनाया, उसको पोटर के हम उतर के उसमें चल गए नीचे और उसको छाप दिए, छाप दिए तो 1 घंटा ने पानी बंद हो गया टोटल। तब और निकले, हमने कहा कि बाबा वह छेदा है बाबा, जा तू के एखन खोल पहले देख कौन से निकले। तब वह मनगर कहार से नीचे उतर लिया और ईसन करके गोड़ के करके खोलत रहे, पतला सा था एक कहता हदूर कर इतना चढ़ फोड़ दिया और हमको उसी में लगा दिया, उसी में घुस गए। तब सब जितना जो आदमी था 5-25 आदमी फिर बचा यार गोटे 7-8 गांव भ्रमण किया कि हमारा मालिक आज खत्म हो गया, बांध टूट गया। तब 2 घंटा ने सब जुट के चलाई 2500-3000 आदमी और वहाँ आके बैठ के निकल के बैठे तो कहता है भगवान बचा दिए सब। 2500-3000 आदमी से याद आया, आप लोगों को मनाते कैसे थे? एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, भारत सरकार का जो बजट बनता है वो पानी को बचाने के लिए, जल प्रबंधन के लिए 2016-17 में 6,201 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ठीक है, 2017-18 में प्रस्तावित है 6,887 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए। ये हम डेटा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप क्या किए, आप उस वक्त में क्या करते थे लोगों को जुटाने के लिए और बांध को बनाने के लिए, लोगों को मनाते थे सिर्फ 3 पोयला चावल से, आप ना पैसा देते थे ना कुछ करते थे, लोग 3 पोयला चावल में आपके पास आ जाते थे। मैं लोगों को बताना चाहूंगा 3 पोयला मतलब उसमें फिर 250 ग्राम चावल या गेहूं आता होगा, एक पोयला होता है मापने का। तो ये आप कैसे करते थे, लोग पैसे के लिए देने पे भी बांध बनाने नहीं आते, जंगल को देखने नहीं आते, आप चावल दे के हजारों को कैसे मनाते थे? ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, ये समझिए। देखिए पहले तो जितना जे जनता को तकलीफ बहुत था, जंगल झाड़ बेच बेच के गुजारा चलाता था, तो उतना ज़्यादा खास अपना परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। तो हम योजना जे बनाए और उस जमीन को बांध बांधने के लिए जितना किसान का जमीन डूब रहा है सबको बुलाए और एक साथ बैठा के समझे, 3 साल समझाने न लगा। हाँ तो 3 साल में एग्री हुआ, तो सबको बैठा के समझा के जमीन दे दिया और सब एकदम जिसका जमीन है उसको भी, नई जमीन है उसको भी, सबके मिला जिला के एक हमारा किसान का एक बहुत बड़ा एक हथियार बैंक है, इसको सब चालू करेंगे। तो चालू किए तो बांध हम सब
निरपत्रा से जे नाला नाला घूमते घूमते आए गए घाट, और गए घाट जा देखे कि पतला, तो 45 फीट बांधने से और 7 फीट गढ़ा करने से ये पानी का डहर अलग निकल जाएगा। तो पानी का डहर जंगल ने निकला दिए सबकर सहयोग से, और जमीन देने के लिए तैयार हुआ, उसको कुछ खर्चा देते थे, तले सब तैयार हो गया और बांध बांध के सबको पूरा कर दिए। और कैसे करी बांध को खर्चा के लिए घर घर तीन पहला धान जमा किए, और एक जगह एकदम बंजर जमीन था, 50-60 गांव मिल के 50-60 आदमी घर मिल के बंजर जमीन को खेत बनाए। बंजर जमीन से आपको दिखाना चाहिए आप, पहले बंजर जमीन था जी, खेती लायक जमीन बनाया गया, बनाया उसके बाद खेती लायक कैसे बनाया गया बंजर को? जैसे कि मतलब बहती पानी को ना वो मेड़ बना के बांध दिया, उसके बाद जहाँ मतलब वो बंजर था ऊंचा था उसी जगह वो पानी को कर दिया, करने के बाद मिट्टी कटिंग की। चीज हम जानना चाहते आज मतलब भारत में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ बंजर है, जहाँ नहीं था पहले बंजर, तो बंजर जमीन को आप उपजाऊ बना दिए, कैसे किए बताइए? बहुत बड़ा बड़ा मैनेजमेंट है जो बिना पढ़े लिखे किए, तो बता दो सबको इन्होंने सिर्फ 8 महीने पास किया है। देखिए एक बात बता रहा, जिसको घर का परिवार को 5 मिनट से 10 मिनट बैठना चाहिए, जो सारा चीज दिन भर हम का किए और दूसरा दिन हम का करेंगे, उसके लिए बात विचार करना चाहिए, सबसे बड़ा हथियार वो है। और गांव ने 1 घंटा से 3 घंटा हफ्ता ने बैठना चाहिए, सबसे बड़ा हथियार वही है कि हम पूरा बैठा के सबको समझाइए और एक साथ जोड़े, और अभी तक हमारा काम वही चल रहा है कि जितना बंजर जमीन को पूरा गांव वाला मिल के जमीन बनाए और तीन पहला धान जमा करके एक जमा ने 500 मन धान हुआ, और वही पूंजी से हम जितना बांध को जितना कर्जा ले लेके बनाए थे 60-70 हज़ार कर्जा लिए थे सेकंड, सब उसी के चलते सबकर मिलजुल के उसको एक असूल की से ले। एक सबसे बड़ा चीज है घर ने भी गांव ने भी, एक साथ जब तक नहीं बैठेंगे और एक साथ बात विचार नहीं करेंगे और एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या था, प्रक्रिया क्या था वो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का, कैसे करते थे आप? ना कोई तकनीक का इस्तेमाल करते थे, ना कोई आपके पास कुछ रॉकेट साइंस था, आप कैसे करते थे जमीन को, कैसे नहर लेके जाते थे वहां तक पानी, वो बताइए कैसे करते थे आप? देखिए अभी तो कृषि करीब ऊपर बांध तो बांधेगा घर, जितना जो चौरा वर्गी चौरा भेड़ी गुदर मुड़ा मरचा चीतो तो जंगल के नीचे न है, तो वहाँ बांध बांध देखिए हम तो अपना एरिया ने अपना हम आदमी को देखने के लिए बनाए हैं, आदमी को देखो सीखो करो और दूसरा का करवाओ, जब तक नहीं करेगा तो ये सब नहीं होगा। तो बाबा आज पानी का इतना बड़ा समस्या है, इसका समाधान क्या है? देखिए तो पहले तो बरखा पानी बहुत बढ़िया सा बात रहे, सेकर से पानी के उतना तकलीफ नहीं रहे, मगर 4 महीना बरखा 4 महीना ठंडा 4 महीना गर्मी देते रहे, मगर कुछ साल से कृषि करीब 16-17 साल से इधर पानी बरखा बहुत कम हो गया, जितना दुनिया ने चापाकल और बोरिंग हो गया से खन से पानी के गांव घर में बहुत दिक्कत है। तो अभी क्या करना चाहिए ऐसा? से ले गांव ने कृषि करीब जितना जानता चाहवाएं तो के सारा स्कीम देना चाहिए, कुआं होलक बांध होलक तालाब होलक डोबा होलक कि जहाँ जल का जगह पन्यास जगह है तहाँ कोड़ना चाहिए, टकरा टिकर ने कोड़ल से, और हफ्ता ने कृषि करीब गांव के 1 घंटा से 3 घंटा तक हर
हफ्ता बैठना चाहिए कि हमार गांव कर विकास कैसे हुई जे हमरे मन के बढ़िया से पानी कांजी खेती बाड़ी गांव कर भूली बचन सारा चीज कैसे हमरे मन सही राय पर इसलिए सबसे हथियार है गांव ने बैठना और बात विचार और काम धंधा कर इसलिए अगर जनता चाहे ना तालाब बनाने के लिए तो जनता के तालाब मिलना चाहिए और बांध भी चाहे ना तो बांध भी मिलना चाहिए और नाला तो बहुत गिरमंजरुआ है इसलिए के सरकार भर से सारा बरसात कर पानी के 3,000 फीट ने हर जगह पानी का खदान बनना चाहिए कि वो बरसात का पानी बही के नदी ने ना जाए आन और पानी पानी नखे तो सारा चीज पानी है सारा चीज कर पूंजी उकरने जान भी रही कारखाना भी रही लोग लक्ष्मी भी रही चराई चिनगुन भी रही जंगली जानवर भी रही और जीवा जंतु भी रही। हमने पढ़ा है कि आप तो कहते हैं कि देश में हर तरह का कारखाना है अन्न का कारखाना खोलना है अन्न का कारखाना खोलना चाहिए ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका क्या मतलब है कर से करीब पानी सारा अन्न का कारखाना है सारा अन्न का इसलिए हम तो कहब कि गांव के सारा जनता कहाँ पानी बचना चाहिए और कैसे अन्न का कारखाना हुई इसलिए दुनिया ने सबसे ज्यादा अन्न का कारखाना किसान है अगर किसान नहीं रहेगा तो दुनिया ने अन्न कोई किस्म से लकड़ी से नहीं बनेगा माटी से नहीं बनेगा पत्थर से नहीं बनेगा तो अन्न का कारखाना तो जमीन से हमार किसान मन अन्न कर तैयारी कराना इसलिए हम तो कहब सारा पानी का साधन होना चाहिए दुनिया ने इतना कारखाना है मगर अन्न और पानी का कारखाना पृथ्वी ने कोई कंपनी ने सरकार निकला है ये पानी खाली हमारा मालिक है सिंचाई कर रहा है और दिन रात जानवर मनुष्य सब उससे पूजा तो सबसे बड़ा पूजा तो ही है मंदिर है। आपके काम के लिए मैं सबको बताना चाहूंगा 1996 में जब सबको जानते भी नहीं होंगे आपको पूरी दुनिया में तो लोग जानते भी नहीं होंगे ना आप पे रिसर्च किया गया था 1996 में सारा जेविट नाम की स्टूडेंट थी न्यू हैम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की वो आप पे रिसर्च कर रही थी 1996 में और उसने बहुत कुछ कहा वो कहती है कि वो मेरा लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था वो आपके साथ 9 महीना बिताई तो क्या क्या था वो एक्सपीरियंस बताइए आप जब पीएचडी आप पे लिखा गया आप पे रिसर्च लिखा गया एक बहुत बड़ा थीसिस लिखा उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि आप पे किसी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखा गया है फिर आपका कैसा रिएक्शन था कैसा लगा हम तो पढ़े लिखे नहीं थे वैसा दर 8 महीने पढ़े हैं लेकिन आप पे थीसिस करके गया है कोई लंदन से कोई तो हमको वो दिन सगर रात के भी दिन के भी जति घन फुर्सत तति घन हमसे भेंट करता था और सारा चीज को किसान कैसे 12 महीना के बाजा 12 महीना के नाचा यहाँ गीत से लिखित हो सेले हमरे मन उकरे दिख दिख के हमरे मन चली ला और चला दी और जतना जे गांव घर ने गड़बड़ी सड़बड़ी होला से कर देखभाल करे ले महतो पहाड़ पुजार और आवा जतना बैठा के उठा के ले कटवार दिया है सेले सारा चीज को करके बता ली और हम घर से 9 महीना से 11 महीना तक रहे और सारा चीज के बैठ बैठ के 24 घंटा कठ नहीं जानत रहे कि हिंदी मगर 2 महीना ने सारा हिंदी जान गए 2 महीने में सारा हिंदी सीखी। उनसे हम लोग यही पूछना चाहेंगे कि आप इस प्रकार इतना मतलब दिन से और इतना समय आप गुजार दिए और इतना अच्छा से सब लोग को रखे तो उस स्थिति में हम लोग इस समय कैसे रख सकते हैं ये सुधीर मीन जैन के बेटे हैं देखिए जब तक
अपना एक साथ नहीं बैठेगा, एक साथ बात विचार नहीं करेगा और कर से करीब शरीर के दाग घाव घोस को तो दुनिया देखेगा, मगर हृदय का घाव को कोई नहीं देखेगा। जब तक मनुष्य पृथ्वी ने हृदय का घाव को चंगा नहीं करेगा तो अपना देश को चलाने नहीं सकेगा, ना परिवार को चला सकेगा, ना देश को चला सकेगा। इसलिए एक साथ दिल का जतना गंदा है उसको दरकिनार करना पड़ेगा। कपड़ा जब मैला होता है तो कर से करीब 8 दिन में सोडा साबुन सारा चीज लेके कपड़ा को साफ करते हैं। तो मनुष्य का अंदर जो गंदा है उसको कहाँ से साफ करेगा? मनुष्य का हृदय को साफ करने के लिए 10 आदमी को बैठना पड़ेगा, वही साबुन है मनुष्य का। आखिर में बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप पानी का इतना बड़ा समस्या है, जल जंगल का इतना समस्या है, तो आज के युवा को हम जैसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे, क्या करें? हम तो कहेंगे कि जितना स्कूल है अभी बहुत किस्म के स्कूल है और पूरा परिवार का बल बचा आते हैं, कभी एको मिनट ये सब करना हर स्कूल ने करेगा। जितना माए बाप से नहीं बढ़ता है उतना स्कूल में बढ़ता है बाल बच्चा। इसलिए हम तो कहेंगे शिक्षा गुरु लोग को कि एक विषय सारा लड़का लोग को बिठा के लड़का लड़की के कर से करीब 2 मिनट भी क्लास करना चाहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, अब अपना समय निकाले और हमारे शो में आए। ठीक, धन्यवाद, दोबारा हम जाएंगे। ठीक, जोहार, खुश रहिए, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। आप देखते रहिए और आपको छोड़े जाते हैं मधुर सी एक बांसुरी धुन के साथ। We'll be right back.